गरीबों को घर देने के लिए पीएम आवास योजना शुरू की। हमने तय किया कि इस योजना के तहत मिलने वाले घरों की रजिस्ट्री घर की महिलाओं के नाम भी होगी। वही शौचालय करोड़ों माताओं बहनों के लिए इज्जत घर का काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में तो उसको इज्जत घर के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार की मुद्रा लोन योजना का लाभ भी करोड़ों महिलाओं को मिल रहा है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। ड्रोन दीदी योजना का काम चल रहा है। साथियों, आज हमारा भारत हर क्षेत्र में प्रगति के नए रिकॉर्ड बना रहा है, क्योंकि आज देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार ने गरीबों को घर देने के लिए पीएम आवास योजना शुरू की। हमने तय किया कि इस योजना के तहत मिलने वाले घरों की रजिस्ट्री घर की महिलाओं के नाम भी होगी। हमने देश भर में शौचालय बनवाए, ये कांग्रेस वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वही शौचालय करोड़ों माताओं बहनों के लिए इज्जत घर का काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में तो उसको इज्जत घर के नाम से जाना जाता है। साथियों, हमारी बहनें देश की आर्थिक प्रगति को गति दे रही है। केंद्र सरकार की मुद्रा लोन योजना का लाभ भी करोड़ों महिलाओं को मिल रहा है। अब हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। और 3 करोड़ लखपति दीदी बनने का मतलब ये वन टाइम नहीं है, हर वर्ष उस दीदी की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज्यादा हो ऐसी व्यवस्था, ये काम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का सपना है मेरा। ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी आज हमारे देश में उसकी चर्चा है, इसका लाभ भी महिलाओं को मिले, इसके लिए ड्रोन दीदी योजना का काम चल रहा है। माताओं बहनों, महाराष्ट्र में महायुति सरकार महिलाओं को डबल लाभ दे रही है। इसका उदाहरण है महाराष्ट्र की माझी लाड़की बहन योजना, और इससे आपके खर्चों में मदद मिलती है, अपने काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी वाले बहनों के लिए ये जो योजना बनी है इसका भी विरोध कर रही है। इनके लोग इस योजना को रुकवाने के लिए कोर्ट तक चले गए थे। आप सोचिए अघाड़ी वालों के इरादे कितने खतरनाक है। इसलिए मैं माताओं बहनों को विशेष आग्रह से कहता हूं, ये आपके भविष्य के हर चीज को रोकने के लिए इंतजार करते बैठे हुए हैं, और इसलिए अघाड़ी वालों को मौका न मिले ये महाराष्ट्र की महिलाओं ने ठान लिया है। और मुझे विश्वास है जब महिलाएं ठान लेती है तो मैं नहीं मानता हूं ये कांग्रेस अघाड़ी वालों के लिए किसी के दरवाजे तक पहुंचने की हिम्मत रहेगी।